जियो सिनेमा ने इतना अच्छा माल दे दिया, वो भी फ्री में, तो उसको देखकर तो मैं काफी खुश हो गया। जिसको आप जॉन विक लाइट कह सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ ब्लडी डैडी की। मूवी की स्टोरी सिंपल है। सुमेर यानी शाहिद कपूर एक एनसीबी ऑफिसर है जो कि एक होटल ओनर कम ड्रग लॉर्ड के कोकीन को पकड़ लेता है। एंड वो ड्रग लॉर्ड यानी रोनित रॉय दैट मींस सिकंदर अपनी कोकीन को छुड़ाने के लिए सुमेर के बेटे को किडनैप कर लेता है। फिर वही एज यूजुअली फॉर्मेलिटी, भाई अगर तुझे अपना बेटा चाहिए तो मेरा कोकीन वाला बैग दे जा एंड अपना बेटा ले जा। स्टोरी उसके बाद से ही कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होती है क्योंकि बैग के पीछे दो और लोग पड़े हुए हैं। तो बैग किसके हाथ लगता है, सुमेर अपने बेटे को बचा पाता है या नहीं, अगर वो छुड़ा भी लेगा तो उसे बाहर कैसे निकाल पाएगा क्योंकि होटल में बहुत सारी सिक्योरिटीज है। मूवी में देखने लायक वही तो है। मूवी की नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि मूवी की लेंथ ही 2 घंटे की है, इसलिए मूवी आपको स्लो फील बिल्कुल नहीं करेगी। एंड वैसा ही मूवी का पेस है, काफी फास्ट पेस। स्टोरी एंड मूवी जैसे आगे बढ़ेगी वैसे आपको देखने में बहुत मजा आएगा। जंप टू द प्लस पॉइंट ऑफ द मूवी एंड यू गेट द प्लस पॉइंट फ्रॉम द एवरीवेयर। एक्टर, एक्शन, फाइट सीन्स, एंडिंग में फादर एंड सन वाला थोड़ा इमोशनल पॉइंट एंड यू विल गेट इट परफेक्टली। शाहिद कपूर की एक्टिंग, फाइट, उसका एंग्रीनेस वाला एटीट्यूड मूवी में और जान डाल देता है। एडिशनली रोनित रॉय उसकी भी एक्टिंग काफी बढ़िया थी। यू नो आई एम वेरी बिग मार्वल फैन, तो कहीं ना कहीं तो मुझे मार्वल दिख ही जाता है, तो मुझे इस मूवी में भी मार्वल दिखा। आपको दिखा क्या? नहीं दिखा, कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, सो वॉच टिल दी एंड। एंड हाँ, ये मूवी भी रिमेक है 2011 फ्रेंच मूवी स्लीपलेस नाइट। एंड उसके बाद 2015 में भी इस मूवी का तमिल रिमेक बन चुका है थुंगावनम, जिस मूवी में कमल हासन थे। अगर हम बात करें मूवी की सीक्वल के बारे में यानी ब्लडी डैडी 2 के बारे में, तो इसके ऊपर अली अब्बास जफर ने कहा है कि हाँ अगर मूवी अच्छी रहेगी लोग इस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे या फिर इस मूवी के बारे में बात करेंगे आफ्टर द फ्यू मंथ्स ऑफ रिलीज, तो हाँ वो डेफिनेटली सीक्वल पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। एंड वो वाली सीक्वल थिएटर में रिलीज होगी, ना कि फ्री में ऑन जियो सिनेमा। एंड हाँ, ब्लडी डैडी पे रिएक्शन करते हुए कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि वो थोड़ा इस मूवी से गुस्सा है क्योंकि इतनी अच्छी मूवी उन्होंने ऐसे ही फ्री में रिलीज कर दी, इतनी हाई बजट मूवी फ्री में ही दिखा दी। तो हाँ, मैं भी थोड़ा इस बात से सहमत हूँ, इतनी अच्छी मूवी फ्री में तो नहीं दिखानी चाहिए थी। तो चलो अब मैं बता देता हूँ कि मुझे मार्वल कहाँ पे दिख गया था इस मूवी में। याद करो मूवी का एंडिंग सीन, हाँ बिल्कुल यही वाला। अब देखो अथर्व की जर्सी पर दिख गया ना महान थेनोस। एंड व्हाट्स योर थॉट ऑन द ब्लडी डैडी, टेल मी एंड शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स। एंड मेन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।